यूपी के शाजापुर में मजार की जगह शिवलिंग स्थापित करने का आरोप है। हंगामा बढ़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स, पुलिस ने क्षतिग्रस्त मजार को सही करके शिवलिंग को वहां से हटाया। तिरुमाला के लड्डू में पशु की चर्बी की मिलावट का आरोप, सीएम नायडू ने कहा दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। टीडीपी प्रवक्ता एएनआर रेड्डी ने कहा प्रसादम में हुई मिलावट, बीफ टेलो, एनिमल फैट और मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया, उम्मीद है ईश्वर हमें करेंगे माफ। प्रसादम को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू के जगन रेड्डी पर आरोप, सूत्रों के मुताबिक लैब रिपोर्ट में खुलासा, घी में पशु चर्बी सहित कई प्रकार की मिलावट। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान, जो चंद्रबाबू नायडू कह रहे थे वो सही साबित हुआ, तकलीफ है कि आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्सपोस्ट पर कहा हमारी आस्था के खिलाफ आपराधिक कोशिश हुई, ऐसे दोषियों के साथ कोई दया नहीं होनी चाहिए। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा ये पता था जगन सरकार थी हिंदू विरोधी, लेकिन प्रसादम में पशु चर्बी के इस्तेमाल की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिहार में जेडीयू महिला सेल की जिलाध्यक्ष की सरेआम पिटाई, सीतामढ़ी में महिला नेता को चप्पल की माला पहनाकर घुमाया, बुरी तरह पीटने की वजह से हालत गंभीर। सीतामढ़ी में महिला जेडीयू के नेता के साथ की गई दरिंदगी, पिटाई की वजह से बोलने की हालत में नहीं है महिला, गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। महिला जेडीयू नेता के साथ मारपीट, सीतामढ़ी के एसपी के मुताबिक फेसबुक पर हुआ था आपसी विवाद, मुख्य आरोपी संजय पटेल को किया गया गिरफ्तार। आरजेडी ने कहा बिहार में महाजंगल राज जैसे हालात हैं, मृत्युंजय तिवारी बोले सरकार में थोड़ी भी शर्म बची है तो बताएं आखिर बिहार में फूंक क्या रहा है। बिहार में फूंक दिए गए लोगों के घर नवादा के माझी टोला में जला दिए गए थे 20 से ज्यादा मकान, पुलिस ने घटना के एक दिन बाद करीब 15 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के नवादा में बस्ती जलाने का मामला, सूत्रों के मुताबिक सीएम नीतीश ने घटना की निंदा की, आला अधिकारियों को खुद जांच की निगरानी करने के सीएम ने निर्देश दिए। नवादा की घटना पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का पलटवार, कहा घटना को अंजाम देने वाले जंगल राज की सोच वाले लोग, नीतीश सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। नवादा की घटना पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा ऐसी मानसिकता को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा, सीएम नीतीश ने मामले को गंभीरता से लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा नवादा की घटना दुखद, माझी जी की सरकार है लेकिन उन्हें सच से कोई मतलब नहीं। बिहार के सुपौल में तीन भाइयों को मारी गई गोली, अस्पताल में हालत गंभीर, जमीन विवाद बताई जा रही है वजह, पिपरा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। मेरठ में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के अपहरण की कोशिश, परिजनों की भी पिटाई, गुस्साए लोगों ने थाने पर हंगामा किया, 6 लोगों के खिलाफ FIR। गोरखपुर में शादी से इनकार करने पर लड़की की हत्या का दावा, सिरफिरे लड़के ने युवती को कार से रौंदा, लड़की के परिजनों की शिकायत पर खुलासा हुआ। कोलकाता कांड को लेकर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, जूनियर डॉक्टर्स ने 41 दिन बाद खत्म किया धरना, अभी ओपीडी और ओटी सेवाएं रहेंगी निलंबित। ममता बनर्जी का आरोप, दामोदर घाटी निगम मानव निर्मित बाढ़ के लिए जिम्मेदार, केंद्र डीवीसी बांधों की सफाई करवाने में फेल, जिसकी वजह से राज्य के कई जिलों में बाढ़ आई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा, राज्य में ICAR NISA के शताब्दी समारोह में करेंगे शिरकत, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन रहेंगे मौजूद। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, अमित शाह करेंगे शुरुआत। झारखंड कैबिनेट की बैठक की अहम तस्वीर आज सामने आएगी, हेमंत सोरेन सरकार लेगी कई अहम फैसले। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का से दादर नगर हवेली दमन दीव का 3 दिवसीय दौरा, आज दमन में पक्षीशाला का करेंगे उद्घाटन। शिमला मस्जिद विवाद के बाद आज सुक्खू कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, दोपहर 12 बजे हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बाइडेन करेंगे व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा। वक्त संशोधन बिल पर जेपीसी का मंथन जारी, आज जेपीसी की 6 बैठक होगी। गुजरात के राजकोट वक्फ बोर्ड पर गुंडा विधायक राधा भैया ने उठाए सवाल, का भारत के अलावा किसी देश में नहीं है वक्फ बोर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन महाराष्ट्र, आज वर्धा का करेंगे दौरा, चुनाव से ठीक पहले तोहफों की लगाएंगे छड़ी। चुनाव से पहले मायावती गठबंधन में तनातनी, अजीत पवार एकनाथ शिंदे फडणवीस के बीच विवाद की खबर, कई मौकों पर खुलकर दिखी नाराजगी।
आज विपक्षी दलों के गठबंधन, महाविकास अघाड़ी की बैठक, तय हो सकता है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। सीट शेयरिंग पर उद्धव ठाकरे ने बढ़ाई टेंशन। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 100 सीट पर कांग्रेस से और 15 से 20 सीटों पर शरद गुट के साथ पेच फंस गया। जम्मू कश्मीर के कटरा में बोले पीएम मोदी, एनसी कांग्रेस के घोषणा पत्र से पाकिस्तान प्रभावित, लेकिन हम नहीं लागू होने देंगे पाकिस्तानी एजेंडा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से कांग्रेस एक्सपोज हो गई है, नहीं वापस आने दिया जाएगा आर्टिकल 370। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस एनसी पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरताल और एजेंडा एक। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर बीजेपी का पलटवार, प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कांग्रेस और पाकिस्तान में चल रही है जुगलबंदी। जम्मू कश्मीर के प्रभारी बीजेपी नेता तरुण चुग ने लगाया आरोप, राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के इशारे पर कर रहे हैं काम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए ये अपना लोकतंत्र बचा ले, उन्हें हमारे चुनाव के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। पाकिस्तान के बयान पर बोले फारूक अब्दुल्ला, पाकिस्तान क्या कहता है इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं पाकिस्तानी नहीं भारतीय नागरिक। उमर अब्दुल्ला का आरोप, बीजेपी का अपनी नाकामी छिपाने के लिए तीन परिवारों पर निशाना, पीएम मोदी ने कभी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल, जगाधार निर्वाचन क्षेत्र में करेंगे रोड शो। हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका, मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने थामा कांग्रेस का दामन। हरियाणा के संकल्प पत्र में बीजेपी ने किए 20 वादे, महिलाओं को 2100 रुपए एमएसपी पर 24 फसलों की खरीद और 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हमारी गारंटी का कॉपी पेस्ट है बीजेपी का घोषणा पत्र, इनका घोषणा पत्र झूठ का बंडल। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया दावा हरियाणा में बनेगी बीजेपी की सरकार, हुड्डा अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पा रहे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा प्रहार, कहा हरियाणा में बीजेपी की होगी हार, महाराष्ट्र में नहीं बनेगी सरकार। चीन में दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद ने एक साथ किया चुनाव प्रचार, दुष्यंत चौटाला ने कहा हम बनाएंगे सरकार। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा अमरिंदर सिंह बंडिंग का आप पर निशाना, कहा पंजाब के लोगों ने बदलाव के लिए गलत सरकार को चुना, आज भुगत रहे हैं इसका खामियाजा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा महंगाई से लड़ने के लिए कांग्रेस ने किया 6000 की पेंशन, महिलाओं को 2000 की मदद और 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान। बीएसपी नेता मायावती का दावा इंडिया के घटक दलों ने जनता का विश्वास खो दिया, यूपी के उपचुनाव में मौजूदगी दर्ज कराएगी बहुजन समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली ने मुलायम सिंह यादव पर दिया विवादित बयान, कांग्रेस और बीजेपी को लेकर भी कई आपत्तिजनक बयान दिए। एबीपी न्यूज से बोले शौकत अली, यूपी उपचुनाव में सभी 10 सीट पर पीडीएम मोर्चे के सहयोगी दलों के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री रमणीत सिंह बिट्टू का विवादित बयान, कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं का विरोध बढ़ा। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने केंद्रीय मंत्री रमणीत सिंह बिट्टू को दी राजस्थान आने की चुनौती, कहा राजस्थान आकर दिखाना छठी का दूध याद दिला देंगे। बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली ने राहुल पर साधा निशाना, कहा राहुल के बयान से हर बार लगता है कि मेरा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने का फैसला सही था। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने राहुल के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल के खिलाफ आज बीजेपी करेगी प्रदर्शन, सुबह करीब 11:30 बजे होगा प्रदर्शन। हिमाचल में युवा बेरोजगार संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, सचिवालय तक करेंगे मार्च। भोपाल में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता भी हुए शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आतिश 21 सितंबर को लेंगे शपथ, सुल्तानपुर माजरा से विधायक मुकेश अहलावत भी बनेंगे मंत्री। अब विधायक मुकेश अहलावत को आतिशी मंत्रिमंडल में मिली जगह, केजरीवाल को कहा शुक्रिया। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज, कहा यूपी के सीएम हैं मठाधीश, हार से इनका बिगड़ा संतुलन। अयोध्या में सीएम योगी ने एसपी पर बोला हमला, कहा पहले प्रदेश में माफिया चलाते थे सरकार। मेरठ में बिल्डिंग गिरने से 10 लोगों की मौत, पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी ने 7 लाख की सहायता देने का ऐलान किया। लखनऊ में भेड़ियों के हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से मिले अखिलेश, हमले में बाल बाल बचे बच्चे ने भी एसपी प्रमुख से मुलाकात की।
बहराइच के महसी इलाके में छठे भेड़िए की तलाश जारी। अब पिंजरे में गुड़िया रखकर भेड़िए को पकड़ने की कवायद। हिमाचल और शिमला कई इलाकों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी। बुलंदशहर में बारिश की वजह से गिरे 5 मकान, मलबे में दबने से कई लोग घायल हुए। पटना में लगातार हो रही गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, नदी किनारे से लगते निचले इलाकों में बाढ़। ग्रेटर नोएडा के रनहेरा गांव में सड़कें बनी दरिया, गांव के मुख्य मार्ग पर भरा कई फीट पानी। पटना में थाने के अंदर 1.5 से 2 फीट पानी, थाने में खड़ी 200 से अधिक गाड़ियां नदी के पानी में समाई। बिहार के कैमूर में भारी बारिश की वजह से सड़कों से बह रहा है पानी, जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। बिहार के रोहतास जिले में हो रही बारिश की वजह से उफान पर सोन नदी, इंद्रपुरी बराज से 5,22,000 क्यूसेक पानी सोन नदी में छोड़ा गया। हिमाचल के कांगड़ा में पहाड़ियों पर गिरने लगी बर्फ, ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी। पूर्व सांसद मेनका गांधी की याचिका पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुल्तानपुर सांसद राम भुवाल के खिलाफ दायर की याचिका। हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति में देरी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। गाजियाबाद के मुरादनगर में हादसा, 11,000 वोल्ट बिजली की लाइन का तार टूटा, हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत। चेन्नई टेस्ट के पहले दिन भारत ने 6 विकेट पर 339 रन बनाए, 144 रन पर ही बांग्लादेश ने गिरा दिए थे भारत के 6 विकेट।